तमिलनाडु शहरी निकाय चुनावों में एमके स्टालिन के डीएमके का जोरदार धमाका, रुझानों में बनाई सभी 21 निगमों में बड़ी बढ़त। तो किसके पक्ष में गया तमिलनाडु निकाय चुनावों का परिणाम, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। आज यानी 21 फरवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच तमिलनाडु में हाल ही में पूरे हुए शहरी निकाय चुनावों की मतगणना सुबह शुरू हुई। इसके साथ ही शुरुआती रुझानों से ही लगने लगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। सुबह मतगणना के साथ ही डीएमके 21 निगमों में से 18 में आगे चल रही थी, लेकिन दोपहर आते आते अब सभी 21 निगमों पर डीएमके ने अपनी बढ़त बना ली है। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग के वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों की माने तो डीएमके पंचायतों में 281 वार्डों के साथ आगे चल रही है, जबकि पार्टी नगर पालिकाओं में 98 वार्डों पर आगे है। वहीं दूसरे नंबर पर है अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी AIADMK जो कि 30 वार्डों में आगे चल रही है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई जब वेल्लोर नगर निगम यानी VMC के वार्ड नंबर 37 से द्रमुक की एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार गंगा ने जीत हासिल की। रुझानों में डीएमके की विजयी बढ़त को देखते हुए पार्टी में जश्न का माहौल है। डीएमके कार्यालय पर कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नाच गान कर जश्न मना रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव के यह परिणाम लगभग तय ही माने जा रहे थे। पिछले साल ही तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनावों में डीएमके और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर अपने प्रतिद्वंदी AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मात दी थी। 234 सदस्यों की विधानसभा में डीएमके प्लस की गठबंधन ने 159 सीटों पर कब्जा कर अपनी सरकार बनाई। अब प्रदेश के निकाय चुनावों में डीएमके का बेहतर प्रदर्शन करना AIADMK और भाजपा के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं होगा। वहीं इससे यह भी बात सामने आती है कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जनता के विश्वास को अब भी बनाए रखा है। तो अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इसी प्रकार देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें देशहित न्यूज के साथ। धन्यवाद।